हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल द लीगल नॉलेज। टुडे वी विल सी लीगल रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ सुरक्षा। जब भी किसी पुलिस थाने में किसी गंभीर प्रकार के आरोप का केस किसी व्यक्ति पर दर्ज होता है, तब आरोपी के जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। कई बार न चाहते हुए भी हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि हमें किसी अपने दोस्त, घर वाले या किसी रिश्तेदार के लिए किसी गंभीर अपराध वाले केस में जमानत देने के लिए जमानती बनना पड़ता है। आमतौर पर न्यायालयों में यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति किसी के कहने पर दूसरे व्यक्ति को जमानती तो बन जाता है, पर उससे जुड़ी कानूनी जिम्मेदारियाँ क्या होती है यह उन्हें बिल्कुल ही पता नहीं होती है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानें कि किसी व्यक्ति का जमानती बनने से पहले उसके बारे में हमें क्या क्या कानूनी बातें पता होनी चाहिए, वह समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं जमानतदार बनने से संबंधित कानूनी जिम्मेदारी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू बिकमिंग श्योरिटी हिंदी में। जमानतदार कौन होता है? वो श्योरिटी। एक, दंड प्रक्रिया संहिता में जमानतदार को प्रतिभू कहा गया है। किसी आपराधिक केस में आरोपी को हर तारीख के दिन कोर्ट में पेश होने के लिए जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति को जमानतदार कहते हैं। सीआरपीसी की धारा 441 ए के अंतर्गत जमानतदार यह घोषणा करता है कि वह आरोपी को जब भी कोर्ट को जरूरी हो या कोर्ट द्वारा बुलाया जाए तब कोर्ट में पेश करेगा। दो, सामान्यतः न्यायालय द्वारा जमानत देते समय कोर्ट आरोपी से एक निश्चित धनराशि का निजी मुचलका, जिसे हमारी भाषा में पर्सनल बॉन्ड कहते हैं, वह लिया जाता है और जमानतदार से एक निश्चित धनराशि का बंधपत्र, जिसे बेल बॉन्ड कहते हैं, वह मांगा जाता है। तो इस तरह जमानतदार अपनी प्रॉपर्टी के पेपर बेल बॉन्ड के साथ जमा करवाता है कोर्ट में और एक निश्चित राशि भी भरनी पड़ती है बेल बॉन्ड में, जिसे हम बंधपत्र कहते हैं। तीन, जमानतदार को न्यायालय में यह दिखाना होता है कि उसके द्वारा दिए जाने वाले बेल बॉन्ड में निश्चित की गई धनराशि यदि जब्त की जाती है तो वह न्यायालय में जितनी धनराशि का बंधपत्र दिया गया है उतनी धनराशि न्यायालय में जमा कर सकता है। इसके लिए जमानतदार को आमतौर पर किसी संपत्ति से जुड़े कागज अथवा बैंक के FD या किसी वाहन के RC बुक कोर्ट में जमा करनी होती है, जिसे जमानतदार का सफिशियंट प्रूफ भी कहा जाता है। जमानतदार का जमानत पूरा केस खत्म हो जाने तक अथवा कोर्ट का अंतिम आदेश तक जमानतदार द्वारा जमा किए गए सफिशियंट प्रूफ के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ या बदलाव नहीं किया जा सकता। बेल बॉन्ड जब्त हो जाने के परिणाम क्या होता है? एक, अगर कोई आरोपी हर तारीख पर न्यायालय में पेश नहीं होता है तो न्यायालय द्वारा जमानतदार को नोटिस जारी किया जाता है। उसे यह मौका देती है कि वह आरोपी को न्यायालय में पेश करे। अगर जमानतदार आरोपी को न्यायालय में पेश करने में असमर्थ हो जाता है तो जमानतदार के द्वारा जमा किए गए बंधपत्र के अनुसार उसकी जमानत संपत्ति जैसे कि प्रॉपर्टी के कागजात, FD के कागजात आदि जब्त हो जाते हैं। तो CRPC की धारा 446 के अनुसार यदि बेल बॉन्ड को जब्त कर लिया जाता है तो बेल बॉन्ड में जितनी धनराशि लिखी हुई होती है उतनी धनराशि की वसूली के लिए न्यायालय को ऐसा अधिकार मिल जाता है जैसा अधिकार जुर्माना वसूल करने के लिए होता है। तीन, अगर फिर भी जमानत धनराशि की वसूली नहीं हो पाती है तो जमानतदार को CRPC की धारा 446 के तहत अदालत द्वारा 6 महीने तक के लिए सिविल कारावास में भेजा जा सकता है। क्या जमानत वापस ली जा सकती है? देखते हैं क्या कहती है CRPC। यह बात सच है कि कोई भी जमानतदार द्वारा दी गई जमानत वापस लेना चाहता है तो CRPC की धारा 444 के तहत अदालत में एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जिससे जमानत संपत्ति मुक्त हो जाती है। जब जमानत वापस ले ली जाती है तो आरोपी को कोई अन्य जमानतदार अदालत में पेश करना होता है। ठीक है दोस्तों, ये बताया गया है CRPC की धारा 444 में। तो सोबेरे की लैंग्वेज देखते हैं। सेक्शन 444 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी सब सेक्शन 1 सेज दैट ऑल और एनी श्योरिटीज फॉर द अटेंडेंस एंड अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन रिलीज ऑन बेल मे एट एनी टाइम अप्लाई टू अ मैजिस्ट्रेट टू डिस्चार्ज द बॉन्ड आइदर होल्ली और सो फार एज रिलेट
gifts to the applicants. Subclause 2 says that on such application being made, the magistrate shall issue his warrant of arrest directing that the person so released be brought before him. 3. Subclause 3 says that on the appearance of such person pursuant to the warrant or on his voluntary surrender, the magistrate shall direct the bond to be discharged either wholly or so far as relates to the applicant and shall call upon such person to find other sufficient sureties and if he fails to do so, may commit him to jail. देखा दोस्तों, इस तरह से हमने देखा है सेक्शन 444 ऑफ सीआरपीसी कहता है, मेंशन करता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी को लेकर, और अगर श्योरिटीज डिस्चार्ज हो जाते हैं, श्योरिटीज की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसमें फ्रेश वारंट निकलता है एक्यूज़ को अरेस्ट करने के लिए, और अगर वो सरेंडर करता है तो उसको कहा जाता है कि आप दूसरे श्योरिटीज पेश कीजिए, दूसरा जमानती पेश कीजिए, अगर वो जमानती देने में फेल हो जाता है तो फिर उनको सो कोर्ट में ऑर्डर एक्यूज़ टू सेंड हिम इन द जेल. तो ये मैजिस्ट्रेट के डिस्क्रिशन पर रहेगा, यहाँ पे मे का यूज़ हुआ है, तो अपने उसको एक्यूज को जेल भी भेज सकते हैं अगर वो श्योरिटीज़ अगर जमानती पेश करने में असमर्थ हो जाते हैं. तो इस तरह हमने देखा है जमानती के अधिकार, जमानती की जिम्मेदारियाँ. ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.